कहीं पर गाड़ी चढ़ा के मार दो, कहीं पर गोली से मार दो किसानों को, जहां मन आए वहां मार दो, और किसी को एक रूम में कैद करके मार दो, जब मन आए हरियाणा के बॉर्डर पर मार दो, जब मन आए उत्तर प्रदेश में मार दो। देश की स्थिति बहुत बुरी है, आपातकाल की है। 32 साल पुराने एक अपहरण के मामले में बंद जेल में बंद करीब 5 महीनों से जेल में बंद पप्पू यादव को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। मधेपुरा कोर्ट से वो बाहर निकलते ही उन्होंने सरकार पर खूब निशाना साधा है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, आपको दिखाते हैं। देश की स्थिति बहुत बुरी है, आपातकाल की है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, सच्चाई की जीत है। जनता के आशीर्वाद से न्याय व्यवस्था ने जो न्याय दिया, मैं भगवान की तरह उनका स्मरण करता हूं। सत्य कभी परेशान नहीं होता। एक ऐसे केस में मुझे 5 महीना रखा गया जिसमें आम आदमी को एक दिन नहीं रखा जा सकता। बस इन्हें टॉर्चर किया, ये करोड़ों जनता का आशीर्वाद। मैं तो इतने जानता हूं कि सत्य जीतता है। जितना परेशान टॉर्चर, कुछ न्याय व्यवस्था आज भी जिंदा है, जिसके चलते लोकतंत्र और संविधान। कहीं पर गाड़ी चढ़ा के मार दो, कहीं पर गोली से मार दो किसानों को, जहां मन आए वहां मार दो, और किसी को एक रूम में कैद करके मार दो, जब मन आए हरियाणा के बॉर्डर पर मार दो, जब मन आए उत्तर प्रदेश में मार दो। आपने सुना पप्पू यादव को, उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे मामले में जेल में बंद थे जिस मामले में आम आदमी एक दिन भी बंद नहीं होता है। उन्होंने जेल से मधेपुरा कोर्ट से निकलते ही सरकार को खूब आड़े हाथों लिया है। इसके अलावा बता दें कि पप्पू यादव के जेल से बाइज्जत बरी होने पर उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की लहर आ गई है। पार्टी के कार्यकर्ता ये खुशी जताने के लिए अब वो लोगों के बीच में उपहारों को बंटवा रहे हैं, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आज पप्पू यादव जी से रिहाई हुआ है, जाइए। ये पप्पू यादव जी का रिहाई हुआ है, मिठाई सब बच्चों को बांट दी। आइए, ये पप्पू यादव जी का रिहाई है, तो आपने देखा किस तरीके से राजू दानवीर जो कि जाप नेता है, वो उपहार बांट रहे हैं लोगों के बीच में और अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होता है कि आने वाले दिनों में विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में पप्पू यादव इन 2 सीटों पर किस तरीके से सक्रिय होते हैं। तो इन्हीं तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।